नमस्कार दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे गीति का छंद किसे कहते हैं अर्थात गीति का छंद की परिभाषा व इससे जुड़ा हुआ एक सरल सा उदाहरण इससे संबंधित प्रश्न मध्य प्रदेश की बोर्ड व लोकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसलिए आपको ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखना चाहिए तो हम देखते हैं सबसे पहले गीति का छंद की परिभाषा यह एक मात्रिक सम छंद है यानी कि एक समातिक छंद है दोस्तों ये सही विकल्प के तौर पर भी आ सकता है इसमें चार चरण होते हैं गीति का छंद में कितने चरण होते हैं चार चरण होते हैं इसके प्रत्येक चरण में यानी कि ये चरण होते हैं दोस्तों पहला ये पहला चरण ये द्वितीय चरण ये तृतीय चरण और ये चतुर्थ चरण तो इसमें चार चरण होते हैं इसके प्रत्येक चरण में चौदाह व बारह की यति के साथ कुल मिलाकर छब्बीस मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होता है यानी कि देखिए दोस्तों ये जो गीति का छंद है इसके प्रथम चरण में तथा तृतीय चरण में चौदह चौदह मात्राएं होती हैं, तथा इसके द्वितीय चरण में और चतुर्थ चरण में बारह बारह मात्राएं होती हैं। इसका एक सरल सा उदाहरण है आपके पास हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए उदाहरण तो कई सारे होते हैं दोस्तों लेकिन जो सरल पड़ता है वो उदाहरण आपको लिखना चाहिए और याद करना चाहिए अब देखते हैं हम इसकी मात्राएं तो यहां पर देखिए एक ही मात्रा है तो यहां पर दो मात्रा लगेगी यहां पर प्रभो है तो देखिए यहां पर क्या होगा एक और यहां पर दो यहां पर क्या होगा दो दो एक यहां पर दो दो तो देखिए कितनी मात्राएं हो गई दो दो चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह मात्राएं हो गई अब हम इधर देखते हैं दो एक क्योंकि यहां पर आकार अंडा यहां पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए एक मात्रा यहां पर एक एक दो यहां पर दो एक दो ये एड़ी का इसलिए दो मात्राएं तो देखिए कितनी मात्राएं हो गई यहां पर दो दो चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह मात्राएं हो गई अब इसी प्रकार नीचे देखते हैं हम बड़ी की मात्रा है तो दो एक फिर अंडा है दो रे की रे है तो दो फिर यहां पर देखिए ये संयुक्त तो वर्ण है तो इससे पहले, पहले वाला क्या होता है दोस्तों गुरु ये भी गुरु फिर और ये देखिए कितनी मात्राएं हो गई दो दो चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो यहां पर एक आएगी दोस्तों यहां पर ये यहां एक तो इक, कितनी मात्रा हो गई चौदह इधर देखिए दो बड़े की मात्रा है दो एक 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 की मात्रा है तो दो बड़ी की मात्रा है तो दो छोटी की मात्रा है तो एक दो मात्रा कितनी हो गई यहां पर दो दो चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह मात्राएं हो गई तो इस प्रकार है दोस्तों गीति का छंद और गीते के का छंद का उदाहरण इसी प्रकार आप अपनी बोर्ड की परीक्षाओं में लिखकर आइएगा मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें व सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों